हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. हैप्पी भाई दूज. आज है भाई दूज और मैं हो गई हूँ रेडी. यहाँ पे आप मेरी साड़ी देख सकते हैं. मैंने पहनी ये ऑर्गेंजा साड़ी, बहुत ही हल्की है, बहुत ज्यादा. इसका जो ब्लाउज है ये मैंने स्टिच कराया था और इस पे जाना ये रेड कलर का ही कॉम्बिनेशन है. मतलब तो आप बताना जरूर. बहुत बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, ये देख सकते हैं. बिल्कुल सिंपल है साड़ी. और ये भी साड़ी मुझे मायके से ही मिली थी और मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम ही वेयर किया है. तो आप बताना जरूर कैसी लग रही है मेरी साड़ी. ओके, और ब्लाउज भी बताना. तो बस अभी मैं जो है ना भाइयों को मतलब दूज बनसूंगी, मतलब गोला बनसूंगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी. आप देखते जाना. तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ. टाइम हो रहा है 7:15, 7:15 बज चुके हैं. तो बस मैं इसको रेडी कर रही हूँ और पहनो जल्दी. इसके कपड़े लेकर आई थी ये बुआ जी इसके कल ही. वो भी घर पे हैं जैसे कि आपको पता है. तो इसको फटाफट से रेडी कर लेती हूँ. बड़ी बेटी भी जो है उठने वाली है, उसको भी रेडी कर दूंगी फिर. देखा मैंने तीनों भाइयों को गोला मेंस दिया है, टीका कर दिया है, भाभियों को कुंजा दिया है और बाबू भी देखो कैसे बैठा है, गौर से देख रहा है कि क्या हो रहा है देखो.
अब बहुत ही क्यूट लगता है, तो मैं कह रही थी मेरे को फोटो भी खींच दो। तो सबसे पहले आपने देखा बड़े भैया को, फिर उनसे छोटे को, बीच वाले को, फिर सबसे छोटे भाई को। तो यहाँ पे पैसों पे हो रही है सुन, लड़ाई, क्योंकि पैसा किया तैयारी कराया ना, था 250 बाबू को, टीशर्ट कराया, तो तीनों बहनों से चौथी थी नहीं यहाँ पे बेची। और बड़ा वाला भतीजा भी नहीं, तो वो दोनों जा रहे थे भाभी के साथ अपनी नानी के घर। तो देख रहा है ये क्या हो रहा है, तो कैसे नहीं दे रही कि मुझे नहीं देने। तो बस वहीं से हम आ गए थे साड़ी के शोरूम में। तो यहाँ पे सबसे अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं हतीन का ये शोरूम, हरचंदी का। तो बहुत जल्दी थी, मतलब 15 से 20 मिनट में मैंने साड़ी खरीदी। मतलब लेनी तो और अच्छी थी, लेकिन वो ही हो रहा था ना, टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि हमें निकलना था। और फिर भी मैं, मुझे लेनी थी दीदी के लिए साड़ी, तो यहाँ पे झट से जो दिमाग में थी ना, मतलब वही ले ली, क्योंकि और मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। और जो ये आप साड़ी, ये हाँ ये साड़ी अभी दिखाएंगे ये लोग, तो नहीं समझ में आ रही थी। मैंने कहा नहीं भैया ये नहीं आ रही। और ये वाली वही साड़ी जो मैं छोटी संजू दीदी को दिलाई है ना, मतलब मेरी ननद को, वो पिंक कलर की, लेकिन ये कलर मेरी जो बड़ी वाली नंद है वो नहीं पहनती कोई सी भी, तो मैंने वही साड़ी ले ली। मुझे इसमें रेड कलर भी नहीं अच्छा लग रहा था मतलब, तो मैंने फिर वही साड़ी ली जो मुझे मेरी बड़ी भाभी ने दिलाई थी और दीदी को दिलाई थी। सेम वही साड़ी जो अभी आगे आपको देखने को मिलेंगी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो उसका कपड़ा बहुत अच्छा है और डिज़ाइन भी, कलर भी सब बहुत अच्छा था। ये वाली देख सकते हैं आप, ये सेम साड़ी मेरे पास है जो कि मुझे मेरी भाभी ने दी थी, बड़ी वाली ने, जब मैं मुंडन पे गई थी। और ये सेम साड़ी मेरी दीदी को दी थी, कलर बता रही हूँ मैं। और ये सेम साड़ी ही मैं लेकर आई हूँ ननद के लिए, बड़ी वाली के लिए। और एक लाई हूँ रेड कलर की, तो उन दोनों के लिए सेम लेकर आई हूँ। तो बस यहाँ से झट से हमने खरीद ली थी ये दोनों साड़ियाँ और हम चल दिए थे। और टाइम नहीं था, लेकिन वही था ना, मार्केट में जाना था, लेकिन टाइम की बहुत कमी थी। तो बस मैं पहुँच गई थी घर पर, और यहाँ हो रहा है मेल मिलाप, विदाई का टाइम हो चुका है। तो भतीजी बोल रही कि आ जाना हुआ, मैंने कहा ठीक है छुट्टियों में आऊँगी। मेरे मुंह पर रखा हुआ दुकान पे भी मेरे मुंह पर। जब छुट्टी है तो मिल जाया करियो, हैं? ठीक है। मम्मी तो राम राम कह रही जाएगी। ठीक है यार से। ठीक है बाय बाय। Thank you.
गई। उससे अगले दिन का वीडियो है, मतलब जिस दिन भैया दोस्त है उससे अगले दिन। और दीदी जा रही हैं ससुराल, तो तैयार हो चुकी है, सूट पहन के चली जाएंगी क्योंकि थोड़ी सी दूरी पर है ना। और फिर वही है कि साड़ी में परेशान होना, तो बस यहीं पे। और बच्चे पता नहीं कहाँ निकल गए थे जाने के टाइम पे, फिर कई देर में आए भी। तो अभी बस वेट बच्चों का हो रहा है, तो अभी वो आ जाएंगे तब चले जाएंगे दीदी। तो भैया दोज हमारा बन गया था, दीदी ने आके किया था और हम आ गए थे। जैसे 12 बजे मैं पहुंच गई थी ससुराल, तो मैं दीदी को बोल रही थी कि दीदी आपका कुर्ता जो है अच्छा लग रहा है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।